கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சமாதானம். எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. Over 3,000 years has been experiencing descent-based racialized oppression, exclusion in the form of Hindu religion. ஒருங்கிணைந்த இஸ்லாம் தர்மம் வந்தே கிறிஸ்த தர்மம். இந்து தர்மம் நான்கி போயிடுச்சு, கோயில் தர்மம் அழகிதை. இந்து தர்மம் கேவல் தோகா. சனாதன் தர்மம் और RSS की हुकूमत आएगी. सनातन हिंदू धर्म पर अचानक तेज होते हमले संयोग नहीं. ये बयान केवल राजनीतिक नहीं है, वास्तव में ये कठपुतलियां हैं जिनके पीछे कोई एक ही शक्ति है. उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही, वही बात कहने वाले नेताओं की मानो एक पूरी कतार सी लग गई. इनमें से अधिकांश हिंदू नाम वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, और उनमें भी सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं. इन सारे बयानों को ध्यान से देखें तो उनमें एक बात समान है, वो ये कि हिंदू धर्म को नष्ट करना है. तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिंदू धर्म को नष्ट करने की हड़बड़ी मच गई? ये काम तो कई वर्षों से चल ही रहा था, वे कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अचानक वे इतने आक्रामक क्यों हो उठे हैं? इसका उत्तर है चर्च की बौखलाहट. भारत में योजनाबद्ध धर्मांतरण का कार्य सबसे अधिक ईसाई मिशनरियां करती हैं. बीते एक दशक में भारत जिस गति से विकास कर रहा है, ईसाई मिशनरियों के लिए धर्मांतरण कराना अत्यंत कठिन हो गया है. भारत में गरीबी नहीं रहेगी तो धर्मांतरण कैसे करेंगे? ईसाई मजहब के पास गरीबी और अंधविश्वास के सिवा बेचने को है क्या? एक दृष्टि कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर. विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे. कोविड संकट के बावजूद ये वर्तमान में 8% से भी नीचे होने का अनुमान है. 2011 में गरीबी का अनुपात लगभग 23% था. स्वतंत्रता के समय भारत में 65% लोग गरीब थे. अर्थात भारत में पहली बार गरीबी की समस्या का उपचार हो रहा है. गांधी परिवार की कांग्रेसी सरकारों ने गरीबी हटाओ के नारे तो दिए, लेकिन कभी इसके लिए कोई गंभीर नीति नहीं बनाई. अघोषित तरीके से कह दिया गया था कि गरीबी से छुटकारा पाना है तो धर्मांतरण करना होगा. सनातन धर्म को नष्ट करने की कांग्रेसी नीति बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन तभी सेक्युलरिज्म का नशा करके सोए हिंदू अचानक जाग उठे. इसका परिणाम केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के उदय के रूप में सामने आया. मोदी के आगमन ने हिंदू पुनर्जागरण की इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया. आज भारत में हिंदुत्व की दिशा में वे कार्य भी हो रहे हैं जिनके 10 वर्ष पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी. अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है. काशी और मथुरा की वापसी की लड़ाई तेज हुई है. सदियों की दुर्गति के बाद ढेरों तीर्थ स्थानों का उद्धार हुआ है. वर्ष 2019 के प्रयाग महाकुंभ में जैसी व्यवस्था की गई वो हिंदुओं के लिए नई बात थी. पहली बार हिंदुओं को लगा कि हम जानवर नहीं हैं. जिन गोवा और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों को चर्च के भरोसे छोड़ दिया गया था, वहां सनातन धर्म का प्रकाश फैल रहा है. कश्मीर में धारा 370 जा चुकी है. समान नागरिक कानून का सपना सच हो रहा है. सड़कों का जाल फैल रहा है. बिजली की उपलब्धता में भारी सुधार हुआ है. उन क्षेत्रों में भी सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं जहां केवल मिशनरी अस्पताल होते थे. हो सकता है कि हमारी बहुत सारी शिकायतें भी हों, बहुत सारे काम नहीं हुए होंगे. विकास और विश्वास जैसी बातें सुनकर हम सबको चिढ़ होती है, लेकिन हमें समझना होगा कि वो विकास ही है जिसके आगे धर्मांतरण माफिया के पसीने छूट रहे हैं. भूखा और लाचार व्यक्ति ही चावल की बोरी के लालच में अपना धर्म छोड़ने को विवश होता है.
चावल सरकार देगी और 5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार भी कराएगी। तो अंधविश्वास के दम पर दुकान चला रहे फर्जी फादर कितने दिन माल बेच पाएंगे? यूरोप के जिन देशों से इनको पैसा मिलता था वो तो स्वयं ही चावल के लिए भारत के आगे कटोरा फैलाए खड़े हैं। सनातन धर्म को जातिवादी कह रहे काले अंग्रेजों को बिलबिलाते देखिए और आनंद लीजिए। इन्हें नहीं पता कि पश्चिमी ईसाई इन्हें कभी अपने बराबरी का स्थान नहीं देने वाले। सनातन धर्म ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन अपनी घृणा में डूबकर ये उस विदेशी मजहब की गोद में पहुंच चुके हैं जिनका इतिहास ही जातीय नरसंहारों और मनुष्यों को गुलाम बनाकर बेचने का रहा है। हमें पता होना चाहिए कि दोनों ही अब्राहमिक मजहबों की किताबों में मनुष्यों को दास बनाकर खरीदने बेचने को सही ठहराया गया है, जबकि सनातन हिंदू धर्म में इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।